हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस करते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चंस आएगा और एक एक नंबर का 3 क्वेश्चन आएगा। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो बताए थे पिछले क्लास में कि कहाँ से एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है और भरने वाला एमसीक्यू ये सब आता है। ओवरऑल समझिए 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। 1 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और एक एक नंबर का 3 क्वेश्चन अप्रोक्स रहेगा उसमें, ठीक है ना। यानी 4 या 5 मार्क्स का आप कह सकते हैं इसमें। आइए थोड़ा सा हम बताएं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, समझाना चाहते हैं। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हेडिंग लिखे हुए हैं, मींस क्या हुआ, साइन थीटा इक्वल टू मान लीजिए एक्स लिखा हुआ है, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, तो थीटा यहीं पर फिक्स कर दिए, वो उधर गया तो साइन इनवर्स में चला जाता है। जैसे ये -1 जैसा दिख रहा है ना, साइन इनवर्स एक्स बोल रहे हैं इसको। और अगर इसको अगर इधर लाएंगे तो ये फॉर्मेट आपका साइन थीटा के फॉर्म में हो जाएगा डायरेक्ट। अगर ये इधर जा रहा है तो इन्वर्स में आ जाता है, ठीक है। जैसे दूसरा देखिए, टेन ए इक्वल टू एक्स लिखे हैं तो ए को ही फिक्स कर दीजिए और टेन उधर गया तो क्या हो गया, टेन इन्वर्स एक्स हो गया, ठीक है। उसी तरह से सेक होगा, कोसेक हुआ, सब में ऐसे ही कर सकते हैं, इसीलिए एंड सो ऑन लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा नोट कर यहाँ पर लिखे हुए हैं, थोड़ा समझिएगा इस जगह पर सब कोई गलती करते हैं। जैसे साइन इन्वर्स एक्स शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ, कन्फ्यूज नहीं होना है विथ साइन एक्स के पावर -1 लिखे हैं, तो दोनों में समझिए बहुत बड़ा अंतर हो गया यहाँ, समझ रहे हैं ना। साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स के पावर -1 लिखे हैं, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब होता है कि 1 बाई साइन एक्स होता है, ये चीज समझिए, लिख भी दिए हैं। तो इसका मतलब सच्चाई क्या हुआ, इनफैक्ट जो बात हो रहा है, जैसे साइन एक्स का पावर -1 है, इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स। ये चीज जो है ये वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये जो लिखे हैं ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। एंड सिमिलरली फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, अगर इसका अगर यूज करेंगे तो टेन एक्स के पावर मान लीजिए -1 आ जाए तो उसको 1 बाई टेन एक्स लिख सकते हैं। कोसेक एक्स के पावर -1 आ जाए, यहाँ ऐसे हॉल करके -1 हम बात कर रहे हैं, तो 1 बाई ऐसे समथिंग लिख सकते हैं। जैसे ये आपका x -2 होता है, एक्स के पावर -2, तो इसको क्या लिखते हैं, 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर ट्रिगो के हॉल पावर अगर माइनस अगर आता है तो 1 बाई करके लिखाता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट अगर ऐसे लिखा देता है साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, टेन इक्वल टू एक्स, तो ए इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए इसमें आते हैं, डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज ओवरऑल यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज का बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो डोमेन मीन्स एक्स पार्ट, रेंज मतलब वाई पार्ट, समझ रहे हैं। जैसे हम ये बताना चाह रहे हैं इसमें, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस टाइप से रहता है ना, दिया रहता है कुछ रिलेशन फंक्शन, रिलेशन जब बताएंगे फंक्शन इन सब में तो क्लियर बताएंगे वहाँ। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है ना यहाँ, ये एक्स एक्स वाला कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स यानी है डोमेन का। अगर बात करते जैसे ये डोमेन रहता कि डोमेन क्या होगा यहाँ, तो आप ये लिखते 1, 3, 5 लिखते, मतलब एक्स का जो पहला एलिमेंट है यहाँ एक्स एलिमेंट शो करता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, डोमेन है, यानी एक्स वाला पार्ट हम बात कर रहे हैं। और रेंज का जब बात करेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन, तो वाई कोऑर्डिनेट होता है 2, 4, 4, सेट में रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट अगर कर रहा है तो उसके बदले में एक एक वो लिखेंगे, ये नहीं कि सब उतार नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, डोमेन्स मतलब एक्स, रेंज मतलब वाई फंक्शन, याद रखिए। यानी ओवरऑल दोनों मिला के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज का यहाँ बात हो रहा है, यानी हमको क्वेश्चन में 1 नंबर का यहाँ से आता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ बोल देता है, यानी रेंज का बात करता है। तो रेंज पहले समझ लीजिए, डोमेन हम नहीं लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक ट्रिक टाइप का समझ लीजिए, जैसे फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, इसका रेंज लिखना है, रेंज यानी वाई पार्ट, समझ रहे हैं ना। रेंज यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स जो है कहाँ से कहाँ ये बढ़ रहा है, इसका ग्राफ भी हमको बताना है। ग्राफ आपको एक दिन ग्राफ का ही स्पेशल क्लास होगा जिसमें पूरा ग्राफ के बारे में बताएंगे, अभी बस हम कैसे मैथ बनता है, कैसे नंबर हमको लेना है, बस ये चीज बताना चाह रहे हैं आप लोग को। साइन इनवर्स एक्स का रेंज यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक है, -90 से 90, मतलब इसके बीच का वैल्यू भी लेना है और ये इसको भी लेना है, साइन इनवर्स का मतलब ये हो रहा है। इसका इसलिए समझाना चाह रहे हैं कि अभी आप लोग एप्लीकेशन देखेंगे, जैसे साइन इनवर्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बताते हैं साइन इनवर्स है यहाँ, और यहाँ पर साइन मान लीजिए 3π/2 लिखते हैं, ठीक है। तो कितना स्टूडेंट यहाँ काट देता है इसको, ऐसे ऐसे खत्म कर देता है, 3π/2 आंसर लिखता है, तो कब ये ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो काटते हैं वो नहीं होता, ये डिपेंड करता है उसके रेंज पर,
अगर उसके बीच के वैल्यू के अंदर में आ रहा है यहाँ, ठीक है, या वो वैल्यू आ रहा है तो ही ये कैंसिल हो सकता है, नहीं तो उसके एंगल को रिड्यूस किया जाएगा। क्लियर, इसके एंगल को रिड्यूस करेंगे तभी काटेंगे, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं। अभी देखिएगा फिर क्वेश्चन समझाएंगे, इसमें ढेर सारा क्वेश्चन है, तभी हम बताना चाह रहे हैं कहाँ से कहाँ लाई करता है, वो चीज आप लोग याद रखेंगे। जैसे साइन इनवर्स का माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बोले, कॉस इनवर्स एक्स का जीरो से पाई बोले, क्लोज इंटरवल है ध्यान दीजिएगा दोनों में। अब कोसेक इनवर्स में हम देखिए, कोसेक इनवर्स अगर देखा जाए तो एक ट्रिक्स टाइप का यहाँ पर माइंड लगा सकते हैं कैसे याद किया जाए। इसके बाद से ये दोनों याद हो गया, मान लीजिए कि साइन इनवर्स का माइनस 90 से प्लस 90 हो गया, कॉस इनवर्स एक्स का जीरो से 180 डिग्री के बीच में बात हो रहा है, देखिए जीरो से 180 क्लोज इंटरवल में है। तो ये दोनों अगर याद हुआ तो बाद बाकी देखिए सब याद हो जाएगा। कैसे देखिए, जैसे कोसेक इनवर्स एक्स है तो कोसेक इनवर्स है, ठीक है, कोसेक यानी समझिए वन बाई साइन, एग्जैक्ट हम नहीं बात कर रहे हैं, बस वो ट्रिक का बात कर रहे हैं। जैसे कोसेक इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, यानी अगर हम जनरली इसमें याद करते, देखिए क्या बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, कोसेक इनवर्स है तो कोसेक यानी वन बाई साइन समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी साइन जो था, साइन का रेंज कितना हो रहा था, माइनस नाइनटी से प्लस 90 के बीच में था, ठीक है। इसमें से कह रहा है कि उस वैल्यू को घटा दीजिए जिसपे साइन यहाँ पर ऐसा वैल्यू बैठाया जाए साइन का कितना डिग्री की, पॉजिटिव बाई जीरो अनडिफाइन हो जाए, पॉजिटिव बाई जीरो अनडिफाइन, जैसे ऊपर पॉजिटिव है नीचे जीरो आएगा, तो जीरो कब आएगा, साइन जीरो का वैल्यू यहाँ पर आएगा, साइन जीरो अगर रहेगा तो ये क्या होगा, ओवरऑल जीरो होगा, यानी वन बाई जीरो अनडिफाइन यहाँ पर होगा, ये जीरो को घटा देंगे, ठीक है। देखिए याद रखिए, ये आपको ऐसे कोसेक इनवर्स का हम बात कर रहे हैं, कब अनडिफाइन, माइनस क्यों किया गया है, मतलब इसको इसके अंदर से निकाला गया है, इसको नहीं लिया गया है, ठीक है, इसका इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। जैसे सेक इनवर्स का बात कर रहे हैं, तो सेक इनवर्स यानी किसका उल्टा बात कर रहे हैं, कोस का, तो कोस का कहां से रेंज होता है, तो जीरो से 180 के बीच में होता है, क्लोज इंटरवल भी होता है, तो सेक हो रहा है, यानी समझिए कि 1 बाय कोस का बात हो रहा है, यानी इसमें भी अनडिफाइन किसमें होगा, जैसे जीरो से पाई कोस में होता है ना, उसी में से उसको घटा, सेक इनवर्स का हम बता रहे थे। जैसे सेक इनवर्स यानी सेक कोस का रेसिप्रोकल बात हो रहा है, जैसे देखिए कोस का, कोस इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ होगा, जीरो से 180 के बीच का बात हो रहा था क्लोज इंटरवल में, अब सेक इनवर्स हो रहा है, यानी मान लीजिए रेसिप्रोकल वन बाई कॉस समथिंग या कुछ भी मान रहे हैं, तो ये अनडिफाइन कितना डिग्री का हम बैठाएंगे अनडिफाइन हो जाएगा, हालांकि कॉस से ही घटाएंगे इसका, कॉस जैसे सेक इनवर्स का निकालना है, कॉस के ही फॉर्मेट में चलेंगे, कॉस इनवर्स का एक्स का रेंज क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज जीरो से 180 डिग्री का क्लोज इंटरवल बात कर रहे थे हम लोग, तो देखिए उसी में से घटाएंगे, जैसे जीरो से पाई लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर किस वैल्यू पर ये अनडिफाइन हो जाएगा पूरा फंक्शन, तो 90 डिग्री, कॉस 90 वैल्यू जीरो होता है, तो ये जीरो सॉरी 90 डिग्री पर यहाँ घटा देंगे, ठीक है, ये एक्सक्लूड कर देंगे इसको, घटा देंगे यहाँ, इसके बीच से ये निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपका सेक इनवर्स कंप्लीट हो गया, टैन इनवर्स की बात हो रहा है, टैन इनवर्स एक्स, तो टैन इनवर्स में देखिए, टैन इनवर्स में डायरेक्ट माइनस 90 से प्लस 90 ओपन इंटरवल, क्लोज नहीं, ये दोनों के बीच का वैल्यू लेंगे, कोट इनवर्स में वही होगा, कोट इनवर्स एक्स में भी देखिए जीरो से पाई लेंगे ओपन इंटरवल में, ओके। चलिए देखते हैं सभी फार्मूले के बारे में समझते हैं, पहले फार्मूला समझ लीजिए तब इसका न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। आइए थोड़ा टेंथ का फार्मूला, टेंथ में पढ़े उसको भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं एक बार। चलिए देखिए, और ये भी थोड़ा सा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना चाहिए आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है फैक्टराइजेबल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दो फार्मूला होता है। अगर आप ये निकला जो फार्मूला है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ही निकला है, ठीक है ना। देखिए डायरेक्ट यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, और दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो जहाँ पर जैसा यूज करना है उसी हिसाब से लेना है, याद रखिएगा, तभी हम बताएंगे कहाँ पर यूज होगा। फिलहाल अभी देखिए फार्मूला, टेंथ में पढ़े हैं आप लोग, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, ये थोड़ा देर के लिए हमेशा कोशिश किया कीजिए ना, आप लोग हमेशा शुरू को कॉस लिखा कीजिए, आगे इससे रिलेटेड फार्मूला बताएंगे तो उसमें आसानी होगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन हुआ, यहाँ पर हमेशा एंगल सेम होना चाहिए, अगर यहाँ मान लीजिए एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, वाई है तो यहाँ भी वाई होना चाहिए, तो वन होगा। और फिर ये देखिए, इसी से इसमें डिवाइड कर दिया गया है एक बार कॉस स्क्वायर से, तो ये वाला रिलेशन आ गया, ठीक है ना।
नहीं समझ में आ रहा है? एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये वाला रिलेशन आ जाएगा। समझिए इसी से दोनों निकल गया यहाँ फॉर्मूला। तो सीधा सीधे हम लोग याद ही रखते हैं डायरेक्ट, 1 + tan² = sec² है। टेन का रिलेशन सेक के साथ है, तो 1 + tan² = sec² है, 1 + cot² = cosec² है। ओके, ये टेंथ वाला फार्मूला है। इसी से बहुत सारा फार्मूला निकलेगा। मान लीजिए ये प्लस साइन स्क्वायर उठ करके इधर आ गया, तो 1 - sin² हो गया। अब 1 - sin² का लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर। हो सकता है कॉस बराबर का होगा रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ने के बाद प्लस माइनस आता है। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के अनुसार प्लस माइनस लेते हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑल पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन और कोसेक वहाँ पॉजिटिव होता है और चार जो आएंगे वो नेगेटिव होते हैं। तो हम क्वाड्रेंट भी चर्चा करेंगे दूसरे क्लास में, बताएंगे क्वाड्रेंट के बारे में कैसे जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर पाएंगे। ये तो पहले पार्ट वन है, समझिए। चलिए इस पर देखते हैं, और इसका रेसिप्रोकल फार्मूला आगे देखिए। जैसे साइन कॉस टेन बेसिक फार्मूला हो गया, साइन कॉस टेन, साइन ए इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल होता है 1 / cosec A। साइन ए इक्वल टू 1 / cosec A, इससे और क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा साइन ए इंटू कोसेक ए तो 1 होगा। ठीक है, ये साइन ए इंटू कोसेक ए तिरछा तिरछी गुना करिएगा ना, फिर इसको साइन ए इंटू कोसेक ए तो 1 हो जाएगा। उसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल 1 / sec A होता है, इसका भी तिरछा तिरछी गुना करिएगा कोस ए इंटू सेक ए 1 हो जाएगा। टेन का रेसिप्रोकल 1 / cot A होता है, जहाँ भी 1 / cot A लिखा होगा सीधे टेन लिख दीजिएगा, बोले वहाँ 1 / sec होगा कॉस हो जाएगा, 1 / cosec साइन हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है नहीं सर? चलिए तो हो गया ये सब, तो मेरी टेंथ का था ये पूरा कहानी जितना था इसमें। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर ये पढ़ना है आपको बुक में, साइन इनवर्स है उसके अंदर में थीटा माइनस में आ जा रहा है, थीटा जो है माइनस में आ जा रहा है। थोड़ा साथ में हम बगल में रेंज भी लिखे हुए हैं, मतलब एक्स का वैल्यू डोमेन कह सकते हैं कि एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ मैंने लाई कर रहा है, किससे क्लोज इंटरवल है, कब ओपन इंटरवल है, वो रेंज भी हम लिख दिए हैं साथ में। साइन इनवर्स उसका थीटा माइनस आता है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो जब इस टाइप का एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 में करता है होल्ड, समझ रहे ना, ये दिया हुआ रहेगा साइन इनवर्स अगर -x है तो इस केस में इसका ये डोमेन जो है इससे बिलोंग्स करेगा। ठीक है, अब याद रखना है तो रखिए, नहीं तो फिर समझिए आगे यहाँ पर कैसे बनाते हैं। साइन इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है। देखिए साइन इनवर्स जस्ट उल्टा अभी पढ़े थे हम लोग कहानी, मतलब एग्जैक्ट आप ढूंढने मत लगिए कि साइन इनवर्स का उल्टा कोसेक इनवर्स हो जाता है, ऐसे नहीं, समझ रहे हैं ना। हम अपना ट्रिक वाइज बताना चाह रहे हैं कि आप कैसे याद करेंगे। जैसे साइन कोसेक अभी पढ़े थे ना, अभी जस्ट साइन एक्स इक्वल टू 1 / cosec, तो उसी तरह से यह रिलेशन खोज रहे हैं कि साइन इनवर्स में जैसे माइनस बाहर निकल रहा है तो कोसेक में भी तो बाहर निकलेगा। इसीलिए ये चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं कि साइन इनवर्स में माइनस बाहर निकल गया ये वाला, तो थीटा में पॉजिटिव एक्स आ गया, इसमें भी पॉजिटिव एक्स आ गया, टेन इनवर्स में भी बाहर निकल जाता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, और ये देखिए जैसे साइन इनवर्स का एक्स बिलोंग्स कर रहा है -1 से 1। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोसेक का बात करें, कोसेक का मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1 होगा वैल्यू। ठीक है, और यहाँ टेन इनवर्स में सीधे एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर मतलब -∞ से +∞। ठीक है, इसमें बाहर निकल जाता है, ये समझिए तीसरा टाइप हो गया। इसमें तीन और है जिसमें बाहर नहीं निकलता है माइनस, उसको निकालने के लिए पाई माइनस किया जाता है। ठीक है, और जैसे कॉस इनवर्स -x है, इसे बाहर निकालने के लिए माइनस को पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखा जाता है। ओके, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू भी देखिएगा एक नंबर के वो आता है या दो नंबर के, उसमें डायरेक्ट यूज कर पाएंगे आप। कॉस इनवर्स -x है, इसमें बाहर निकालेंगे तो देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखे, यहाँ साथ में डोमेन भी लिख दिए x बिलोंग्स टू -1 से 1। फिर देखिए सेक इनवर्स है, जैसे कॉस में जब बाहर निकला तो सेको में तो ऐसे ही निकलेगा ना, तो सेक में भी पाई माइनस हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x, इसमें भी देखिए मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जैसे वहां पर कर रहे हैं। सो ये डोमेन जो लिखा हुआ है साइड में सब उसी से रिलेटेड है, कोई चेंज नहीं किया है इसमें। और कॉट, उसमें टेन में क्या होता है बाहर निकल रहा था, इसमें जैसे कॉट जो है ये कॉस वाला के तर्ज पे काम कर रहा है, कॉट इनवर्स -x है, इसमें माइनस बाहर निकल जाएगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x लिखेंगे। एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जैसे x बिलोंग्स टू यहाँ टेन इनवर्स का रियल नंबर था, जस्ट लाइक यहाँ भी वही होगा। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए आप लोग, जैसे भी याद रख पाए, मतलब प्रूफ भी कर सकते हैं आप कैसे आता है, तो डायरेक्ट हम याद करा दे रहे हैं अभी फिलहाल। ये तीन तीन अपने में साइन कॉस, साइन अगर हुआ तो कोसेक में भी वही कहानी होगा, और एक टेन इनवर्स में भी माइनस बाहर निकल जाता है, तीनों याद रखिए। और जस्ट तीनों अलग इसमें काम हो रहा है, पाई माइनस जो भी होगा प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा, डायरेक्ट निकाल लेंगे। इसको याद रखना है तो रखिए, नहीं तो इससे कोई मतलब ही नहीं है फिलहाल। अब चलिए देखते हैं, जैसे अब 90 का केस वाला ले लेते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 90। हो सकता है कि यहाँ ए आ जाए, साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए तो भी 90 होगा,
हो सकता है यहाँ कि एक्स बाई टू, तो यहाँ भी एक्स बाई टू तो भी 90 होगा। हो सकता है यहाँ 1/5 है, तो यहाँ भी 1/5 तो भी 90 होगा। ठीक है, मतलब एंगल चेंज सेम रहना चाहिए और इसका साइन और कॉस का रिलेशन साथ होना चाहिए। साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 90, टैन वर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू 90। यहाँ भी वही होगा फंक्शन, जैसे मान लीजिए 3x तो 3x तब 90 लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 90, यहाँ भी एंगल देख लीजिएगा तो इस केस में 90 हो सकता है। हो सकता है कभी कभी एप्लीकेशन उधर चल जाता है, जैसे 90 माइनस सेक इनवर्स एक्स है तो सीधे कॉस सेक इनवर्स एक्स लिख देंगे। हो सकता है पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स 1/5 है तो साइन इनवर्स 1/5 लिख सकते हैं। अगर साइड में जो डोमेन दिया है वो तो पता है, जैसे साइन इनवर्स कोसेक कॉस इनवर्स इसका डोमेन समझ रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1/1। ऊपर नहीं पड़े कि साइन वाला में डोमेन ये है, कॉस वाला में ये है, दोनों सेम ही होगा। ओवरऑल दोनों को प्लस करेंगे तो वही होगा, एक्स प्लस एक्स जाति को ऐड करेंगे तो एक्स जाति कहलाएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स को, जैसे टेन इनवर्स का यहाँ देखिए डोमेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉट इनवर्स का भी डोमेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओवरऑल यहाँ भी वही करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, एंड कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स का देखिए यहाँ पर डोमेन मॉड एक्स ग्रेटर देन वन, मॉड एक्स ग्रेटर देन वन, तो ओवरऑल यहाँ पे मॉड एक्स ग्रेटर देन वन होगा, इसलिए याद करने में टेंशन नहीं है आपका। रेंज भी मेंस उसका एग्जाम दीजिएगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, रेंज का वहाँ पर रोल इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी फिलहाल देखिए यहाँ पे ये समझ में आ गया, याद भी हो गया, अपना ट्रिक से याद रख लीजिए। ठीक है, जैसे अब इसमें आइए थोड़ा सा, पहले मिटा देते हैं सब चीज़ को जो बताए हम। हाँ, देखिए इसमें इसमें भी देख लीजिए, थोड़ा स्पीड बता रहे हैं इसलिए ये सब कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है, हमको जल्दी खत्म भी करना है आप लोगों का सिलेबस, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी स्पीड में बोल रहे हैं। फॉर्मूला है तो उसमें सब फॉर्मूला स्पीड में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, जब न्यूमेरिकल बताएंगे तो उसमें थोड़ा अच्छे से बताएंगे। ठीक है, पहले देखिए फॉर्मूला में तो याद कर लेना है आप लोगों को किसी तरह से भी रिवाइज करके। और इसमें देखिए कि साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स 1/x है, तब चाहें तो एंगल ऊपर ले जा सकते हैं, एक्स बाई वन हो सकता है। कब, ये देखिए साइन इनवर्स 1/x है, इसको कोसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब वही उल्टा रिलेशन एक तरह से कही, जैसे आप याद किए थे साइन एक्स इक्वल टू 1/cosec x, जस्ट लाइक हम समझिए साइन इनवर्स 1/x है, इसका एंगल रेसिप्रोकल हो जा रहा है, कोसेक इनवर्स एक्स हो जा रहा है। ठीक है, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं याद है तो आप मान लेते सकते हैं, वाई मान लीजिए, जेड मान लीजिए, इतना बराबर ये प्रूव हो जाएगा। जस्ट लाइक कॉस इनवर्स 1/x है तो सेक इनवर्स एक्स, इसका एंगल याद, ध्यान रखिएगा एंगल का रेसिप्रोकल हो रहा है। ठीक है ना, टेन इनवर्स 1/x है तो कॉट इनवर्स एक्स है। अब ये साथ में इधर भी लिखा हुआ है डोमेन जो है एक्स इज ग्रेटर देन, जैसे साइन इनवर्स है कोसेक इनवर्स है, देख रहे हैं ना, एक्स इज ग्रेटर देन, दोनों वैल्यू हो सकता है, कहीं 1/x भी आ गया है तो ग्रेटर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स लेस देन इक्वल टू -1, एक्स के लिए ये बात हो रहा है, जैसे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या एक्स लेस देन -1। अब कॉस इनवर्स 1/x है, इसमें वही कहानी, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स लेस देन -1, इसमें तो ऑल ग्रेटर देन एक्स इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब जो भी एक्स का वैल्यू का 0 से बड़ा के लिए होल्ड कर रहा है सर, कंफर्म। अब क्वेश्चंस देखते हैं, एक नंबर का यहाँ से दो नंबर का, एक नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स एक ऐसे आता है एमसीक्यू का ही, दो नंबर का आएगा इधर से और दो नंबर का एक क्वेश्चन आता है, यानी चार नंबर का ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइए वी हैव करके, जैसे कि इसमें साइन इनवर्स में अगर नेगेटिव आ जाता था थीटा में तो क्या करते थे, कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, आपके पास जो फॉर्मूला यूज कर दीजिए, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या यूज करते थे, माइनस बाहर निकल जाता था और साइन इनवर्स एक्स लिखते थे। ओके, ये फॉर्मूला आपका, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए और सीधे इस पर बैठा दीजिए। ठीक है, देखिए कैसे साइन इनवर्स क्या है, -1/2 है, अब इसमें बाहर नेगेटिव को निकाल दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स है, कोशिश करना है कि इनवर्स को कैंसिल कर दें, इनवर्स को कैसे कैंसिल करना है, तो साइन अंदर रहेगा तब ना कैंसिल होगा, तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन साइन गया काटा नहीं जाता है, सीधे लिख दीजिए -5/6, ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये समझ में आ गया, दूसरा में वैसे ही है, सीधे लिखिए वी है, किस फॉर्मूला में चल रहा है बस उसका एक बार लिख दीजिए फॉर्मूला, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, इसका फॉर्मूला क्या बताए थे कि माइनस जब बाहर निकलता है कोस में तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। ओके, ये बॉक्स बंद कर दीजिए और उसके बाद सीधे बैठा दीजिए इस पर, कॉस इनवर्स आपका है क्वेश्चन और -1/2 है, अब इसमें बाहर माइनस निकालने के लिए पाई माइनस करना होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ओके, अब देखिए यहाँ पर पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब कॉस इनवर्स को कैंसिल करने की कोशिश करना है, कॉस अंदर रहेगा तो ना कैंसिल होगा, तो कोस में किसका वैल्यू 1/2 होता है, कोस 60 डिग्री का होता है, कोस पाई बाय 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ
पाई माइनस कोस कोस गया, बचा क्या पाई बाई थ्री, यानी एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो गया 2π/3 आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए इसमें तीन चार को समझिए कि वही क्वेश्चन है जो पीछे बताए थे, लेकिन इसमें सबको मिक्स कर दिया है, उसके बाद एक क्वेश्चन बनाया है। इसका वैल्यू देखिए tan इनवर्स है, इसे तो माइनस है नहीं कि टेंशन है, सीधे देखिए tan इनवर्स को कैंसिल करना है, tan में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो tan पाई बाय 4 45 डिग्री का। चलिए प्लस, अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ अब cos इनवर्स में नेगेटिव होता है तो क्या नियम बताए थे, पाई माइनस करते हैं, ध्यान रखिएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 एक बार लिख लेते हैं। फिर देखिए sin इनवर्स में अगर नेगेटिव रहता है तो बाहर निकलता है माइनस sin इनवर्स 1/2। ओके अब देखिए एक बार लिख लेते हैं इसको, अभी tan इनवर्स tan गया तो यहाँ बचा पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स, अब देखिए cos इनवर्स को कैंसिल करना है, cos लगाना है कितना डिग्री वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 देखिए पाई बाई 3 माइनस sin इनवर्स को भी कैंसिल करना है तो साइन में कितना डिग्री वैल्यू 1/2 होता है, साइन पाई बाय 6। चलिए क्या बच गया, पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस ये गया तो पाई बाय 3 माइनस साइन साइन गया तो यानी पाई बाय 6। अब जिसको एलसीएम एलसीएम लेने में समस्या हो रहा है तो देखिए शॉर्टकट ले लीजिए, सबसे ज्यादा देखिए 4, 3, 6 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा, 12 करने के लिए इसमें 2 से इनटू पाई कर दिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 4 से कर दीजिए, यहाँ 4 से कर दीजिए, यहाँ 12 से कर दीजिए, यहाँ 12 से कर दीजिए, यहाँ पर 3 से कर दीजिए, यहाँ 3 से कर दीजिए। अब देखिए जो हटाओ इजी हो गया, 3 12 15 हो गया, 15 अभी 4 2 6 15 में 6 हो गया 9π बाय 12 एलसीएम 3 3 9 हो गया 12 यानी 3π/4 आंसर हो गया। ये बेस्ट ट्रिक है एलसीएम लेने का। चल खैर चलिए देखते हैं कैसे फॉर्मूला याद करते हैं, थोड़ा हम बताना चाह रहे हैं 11th का कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें, थोड़ा सा याद कर लेते हैं तब इनवर्स कैसे इससे रिलेट करेंगे वो देखेंगे। जैसे देखिए साइन ए प्लस बी, जिसको याद नहीं उसको भी याद हो जाएगा, थोड़ा ट्रिक वाइज है, साइन ए प्लस बी है देखिए, तो ए बी फिक्स कर दिया एंगल, ठीक है, साइन का नाम देते हैं एक तरह से कहीं डिफरेंट, ठीक है, और इसका नाम देते हैं कॉस का सेम, साइन का डिफरेंट यानी डिफरेंट इन द सेंस बात कर रहे हैं साइन कॉस कॉस साइन इस टाइप से, और सेम का मतलब कॉस कॉस साइन साइन इस टाइप से। चलिए साइन ए प्लस बी है तो एंगल को देखिए फिक्स किए हैं ए बी फिक्स किए हैं, यहाँ तो किसी में तो लगेगा जैसे साइन है तो साइन स्टार्ट किए, साइन यहाँ लगा दिए, फिर यहाँ कॉस लगा दिए, ठीक है, तो ट्रिगो का चेंजिंग कर रहे हैं, कॉस यहाँ पर हो जाएगा यहाँ साइन हो जाएगा, ये ट्रिक समझ आ रहा है ना। ए बी एंगल फिक्स है, दो ही टाइप एंगल होना चाहिए, सी नहीं आना चाहिए, तीसरा टाइप नहीं आना चाहिए, नहीं तो होल्ड नहीं करेगा ये फॉर्मूला, तो कोशिश करिए इससे भी देखिए ये पूरा मिला करके ये बना एंगल साइन ए प्लस बी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस होगा साइन में, माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, एक साथ में दो फॉर्मूला याद हो रहा है, कॉस वाले में जस्ट उल्टा होता है, एंगल ए बी फिक्स कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें सेम चीज होता है, मतलब कॉस कॉस साइन साइन, ऐसे कॉस कॉस साइन साइन, ठीक है, कॉस कॉस साइन साइन, ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस होता है, अगर माइनस है तो प्लस होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए टैन वाले में भी टेन ए प्लस बी है तो क्या किए हैं, ए प्लस बी बाई वन माइनस, यहाँ वन माइनस फिक्स है समझिए रिलेशन टेन वाला में, वन माइनस दोनों का प्रोडक्ट यहाँ होगा, ठीक है, तो टेन लगाना होगा टेन ए टेन बी, देखिए वन माइनस दोनों का प्रोडक्ट यानी ये टेन ए टेन बी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिए ऊपर में, माइनस नहीं है जस्ट उल्टा, अगर माइनस चलाएंगे तो यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ जस्ट प्लस लेंगे। कॉट वाले में देखिए, कॉट वाले में क्या करिएगा, एक लाइन खींचिएगा पहले, और सबसे पहले एंगल ये नीचे लिखा जाता है याद रखिए, जैसे सेकेंड एंगल को पहले टारगेट कीजिएगा एंगल बी को, तो बी प्लस ए और ऊपर में आप जाएंगे माइनस वन लिखिए, जैसे यहाँ प्लस होता है जस्ट यहाँ माइनस वन, समझिए इसी टेन पर ही चल रहा है, बस उल्टा कहानी है, बी एंगल और ए पहले बी एंगल को लिखेंगे और कॉट जो है तो कॉट ए लिखेंगे, मतलब कॉट बी कॉट ए, ठीक है, और माइनस वन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ लिखेंगे तो कॉट बी कॉट ए, ठीक है, कॉट ए इंटू कॉट बी चाहे कॉट बी ए, नहीं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाई प्लस है तो देखा है ना प्लस लिए और यहाँ माइनस जस्ट उल्टा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लीजिए तो यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, क्लियर, याद हो गया भैया। अब इसी से समझिए कि वो सब फॉर्मूला आया है, अब मान लीजिए वन प्लस कोस टू ए, तो सबका हम बेसिक यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जैसे पहले साइन टू ए का और कोस टू ए का बात कर रहे हैं, मान लीजिए साइन टू ए जिसको नहीं याद है उसमें डाल के नहीं निकाल लेगा साइन ए प्लस बी में, देखिए जैसे इसको कैसे हम बताना चाह रहे हैं, पहले मिठा लेते हैं एक बार रुकिए तब समझाएंगे,
साइन टू ए अगर निकालना है, साइन टू ए को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए नहीं लिख सकते हैं। और साइन वाला फॉर्मूला हम पढ़े थे ना एंगल फिक्स के लिए, ए ए ए ए, यहाँ बी की जगह में सब सेम है, तो सेम साइन कॉस कॉस साइन, ऐसे ही ना था फॉर्मूला। और यहाँ बीच में प्लस था तो प्लस ए होगा, ठीक है। और ये चीज देखिए दोनों सेम चीज है, एगो एगो दूगो, ये क्या लिखेंगे, टू साइन ए, यहाँ लिख देते हैं सीधे टू साइन ए इंटू कॉस ए, ओके। उसी तरह से मान लीजिए कोस टू ए का जिसको याद नहीं है, तो कोस वाले में जाकर बैठाएंगे, कोस ए प्लस बी याद रखे थे, कोस ए प्लस बी लिखेंगे यहाँ, बी की जगह में बी यहाँ का है ए है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ भी ए लिखिए, यहाँ भी ए लिखिए, और यहाँ सेम चीज होता था कॉस कॉस, ध्यान रखिए कॉस कॉस साइन साइन। तो इसमें नियम था प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, याद रखिए, ठीक है ना। और देखिए यहाँ कॉस ए इंटू कॉस है तो ऊपर पावर चढ़ जाता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ध्यान रखिएगा। इसका बेसिक फॉर्मूला हो गया कॉस टू ए का, क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा भूलिएगा मत, ठीक है ना। ये एकदम बेसिक हो गया, साइन टू ए इक्वल टू टू साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस टू ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, भूल रहे हैं तुरंत, यह साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला भाई, ये दोनों याद हो गया। अब ये दोनों याद है तो ये भी याद हो गया, ठीक है ना। देखिए साइन टू ए का क्या बोले, टू साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस टू ए का कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, खाली यहाँ प्लस कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू एक हो जाएगा, इसीलिए हम बोले तो उस समय कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वन होता है, और यहाँ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस टू ए हो जाता है। हो सकता है कि ये दोनों पे, ये दोनों का यूज देखिए कैसे मिलता है, साइन टू ए साइन टू, यहाँ पर हो सकता है साइन ए रहेगा, तो साइन ए रहेगा तो क्या होगा, टू साइन ए बाई टू, एंगल में हाफ हो जाएगा, तो यहाँ भी हाफ होगा, टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, ठीक है। ये टू टू काटिएगा मत, क्या ये थीटा में है, ध्यान रखिएगा थीटा में बाहर से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जस्ट लाइक कॉस ए का बात कर रहे हैं, कॉस टू ए का कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हुआ, तो कॉस टू ए का क्या होगा, कॉस स्क्वायर एंगल में हाफ हो जाएगा, ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, ओके ये हो जाएगा। और नहीं बुझाएगा तो फिर यहाँ बैठा लीजिएगा, ए है तो ए बाई टू प्लस ए बाई टू करके, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, अब वन प्लस कॉस टू ए में इसको एकदम फिक्स दिमाग में बैठाइए लीजिए, ठीक है ना। देखिए सब मिटाते हैं थोड़ा सा, देखिए वन प्लस कोस टू ए वन माइनस कोस टू ए, इसको भी समझ लीजिए कि टू ए एंगल आ गया, कैसे इसको बनाएंगे। जैसे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे वन प्लस साइन टू ए रहेगा या वन माइनस साइन टू ए रहेगा, इसको भूल जाएगी, इसका फॉर्मूला नहीं होता, मान लेते हैं होने के लिए तो फॉर्मूला होगा ही, पेन चला तो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री वैसे ही बन जाता है, मान लेते हैं कि हमको इसको याद नहीं रहेगा, इसमें फॉर्मूला नहीं होता है। चलिए हम लोग हमेशा याद रखेंगे वन प्लस कॉस या वन माइनस कॉस, थीटा कुछ भी रहे कॉस में कोई दिक्कत नहीं है, तो वन प्लस कॉस टू ए या वन माइनस कॉस टू ए का फॉर्मूला, माइनस केस में साइन, हमेशा याद रखिए माइनस केस में साइन लेना है, तो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो टू ए बाई टू करेंगे तो ए बच जाएगा, ठीक है। वन डिग्री इसका माथा में, देखिए यहाँ एक डिग्री से टू डिग्री जा रहे हैं इसका पावर में, ठीक है, वन डिग्री से टू डिग्री में, ठीक है ना। इंटीग्रेशन भी सिखाएंगे तो उस समय बताएंगे वन डिग्री टू डिग्री कहाँ नहीं, जिसका माथा में एक डिग्री है इसका माथा में टू डिग्री है, तो वन माइनस कोस टू ए से माइनस केस में साइन होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई, जो थीटा टू ए है बाई टू करेंगे तो यहाँ ए बचेगा, ध्यान रखिएगा। और प्लस केस में कॉस लेना है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, टू ए बाई टू करेंगे तो ए होगा, ठीक है। तो कहीं कहीं लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर ए लिखा रहेगा, ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला बहुत सारा होता है, आप लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा। तो अगर मान लीजिए टू डिग्री से वन डिग्री जाना है, इसका माथा में दो डिग्री है, इसका वन डिग्री में जाना है, उसके लिए अपने से एक बटा दो एक बटा दो कर लीजिए यहाँ, इसका फॉर्मूला क्या अभी जानते हैं हम लोग, वन माइनस कॉस टू ए, इस एंगल में ए है, इधर जाएंगे तो टू ए होगा, इधर से इधर आएंगे तो बाई टू करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका माथा में एक डिग्री आ गया, तो यानी इसमें इसके जगह पर क्या लिखेंगे, बाई हाफ हो गया, यहाँ क्या वन बाई टू अपने घर से लगाए हम लोग, वन बाई टू टाइम्स वन माइनस कॉस टू ए, ठीक है। तो ये आप कहीं भी जा सकते थे, आप चाहे तो मान लीजिए कॉस स्क्वायर ए चाहे कॉस स्क्वायर बी है, इसको तो वन माइनस साइन स्क्वायर बी भी लिख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए वन टू डिग्री है, टू डिग्री से वन डिग्री में जाना है, तो एक ही उपाय है, टू बाई टू पर नीचे करिए, इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉस टू बी, ध्यान रखिएगा। यूज करना है इसमें, डिफ्रेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, कैसे यूज करते हैं वो जरूरी है। अभी समझिए चारों को, देखिए कैसे लिखा जा सकता है, और चलिए देखिए अभी चारों को देखिए, वही चारों फॉर्मूला यहाँ है, बस एंगल चेंज कर दिया है, एंगल ए दे दिए हैं, ठीक है। तो वन प्लस कॉस माइनस केस में बोले टारगेट लीजिए, वन माइनस कोस है, हमेशा वन प्लस कोस वन माइनस कोस होना चाहिए, साइन वाला नहीं, भूल गए हम लोग, वन डिग्री है टू डिग्री में जा रहे हैं, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ए है तो यहाँ बाई टू हो जाएगा, ठीक है। प्लस केस में कोस ले देंगे, टू कोस स्क्वायर ए बाई टू, ओके।
अब देखिए साइन ए है, साइन ए का कुछ फॉर्मूला नहीं होता है, एक साइन एक्स ऐसे हम लोग जानते हैं, साइन ए साइन बी की सब तो याद है, लेकिन फॉर्मूला होता है अगर इस फॉर्म में जाने लगे तो जैसे साइन टू ए को बताया, टू साइन टू ए बाई टू, टू ए बाई टू की टू टू कट गया, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, टू साइन थीटा जो है उसमें बाई टू कर देंगे, तो ए बाई टू हो गया, यहाँ क्या हो गया कॉस ए बाई टू हो गया। ध्यान रखिएगा एंगल हाफ हो जा रहा है सब में, सब में समझिए आधा एंगल हो जाता है। कॉस में देखिए कॉस टू ए का कॉस स्क्वायर ए बाई टू, टू ए मैंने थीटा बाई टू यहाँ होता है तब ना, टू ए था तो कट गया था बचा, तो यहाँ पर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ए बाई टू ए होगा माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। ओके तो ये आपका ये फॉर्मूला हो गया है, समझिए बहुत फोर ए भी हो सकता है यहाँ, तो बाई टू सब में कर दीजिएगा, कोई इससे दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जैसे टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी आप लोग याद किए हैं, तो टेन पाई फोर यानी 45 डिग्री है ये और यह ए है, इसको डायरेक्ट देखिए कैसे टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताए थे अभी, टेन पाई फोर माइनस टेन ए बाई वन माइनस नहीं माइनस नहीं प्लस होगा, जस्ट उल्टा कहानी होता है, दोनों का प्रोडक्ट टेन पाई फोर इंटू टेन ए, ठीक है। इतना को आप ये भी लिख सकते हैं बाई फार्मूला बता दिए थे, इसका वैल्यू कितना है 45 का, टेन 45 का मान होता है माइनस टेन ए, ठीक है, बाई वन प्लस टेन ए, क्यों हुआ क्योंकि इसका वैल्यू एक होता है, एक गुना टेन ए, टेन ए हुआ। तो इस जगह ऐसा कहीं भी रहेगा डायरेक्ट रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं सीधे, ये समझ रहे हैं ना, वन माइनस टेन ए रहेगा चाहे वन प्लस टेन ए रहेगा, सीधे आप लोग ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इससे भी एक चीज और है, ये कहाँ से आया, जैसे साइन बाई कोस करेंगे तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कोस ए माइनस साइन ए, नीचे होगा कोस ए प्लस साइन ए, दिख रहा है कोस ए, चलिए देखते हैं। अब जैसे कैसे यूज करेंगे, जैसे टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी बताए थे फॉर्मूला, तो मान लीजिए कभी डायरेक्ट रिजल्ट को ही लिख दिया जाता है, जैसे टेन पाई फोर माइनस ए है तो टेन ए माइनस बी पे चला दिए, देखिए चला दिए तो 45 को ऐसे लिख दिए, कहीं कहीं ऐसे डायरेक्ट लिखा रहेगा ना, देखिए वन माइनस टेन ए बाई वन प्लस टेन ए, ये माइनस है समझिए टेन ए माइनस बी चलेगा, टेन थीटा में ए माइनस बी बात कर रहे हैं, ब्रैकेट एंगल में मतलब ए माइनस बी बात यहाँ पर हो रहा है, तुरंत इसको ये समझ जाइए कि ये वाला यूज हो रहा है। तो एक चीज़ और यहाँ पर इससे क्या होता है रिलेट होके, टेन को साइन बाई कॉस, देखिए साइन बाई साइन ए बाई कॉस ए बाई वन प्लस साइन ए बाई कॉस ए, फिर एलसीएम एलसीएम लीजिए, देखिए इतना आया। तो टारगेट हम यहाँ पर करते हैं ये जगह पे टेन वाला रिलेशन लाना है, तो देखिए कॉस जो है यहाँ पर वन करने की कोशिश करते हैं एंड डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए यहाँ पर करते हैं ताकि यहाँ वन आ जाए, ठीक है। तो इससे आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं और इससे ये लिख सकते हैं, याद रखिएगा, तो इससे कन्फ्यूजन मत होइएगा इसमें, यहाँ देखिए कि यहाँ कॉस है इसी से डिवाइड करेंगे, वन यहाँ रहना चाहिए टारगेट, इससे रिलेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, इससे डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना प्रूव करने की जरूरी नहीं है। हो सकता है टेन पाई फोर प्लस ए है, इसमें भी इसको तोड़िए टेन ए प्लस बी पर चला दिए इसे, और इसका वैल्यू बैठा है टेन पैंतालीस का वैल्यू एक, वन प्लस टेन ए बाई वन माइनस टेन ए का, इसका वैल्यू एक गुना टेन ए, टेन ए होगा। इसको चाहे तो साइन बाई कॉस में भी ले जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको टारगेट हम कर लेंगे, यहाँ वन रखना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर न्यूमरेटर बाई कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो वन पर ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा, और इसको तुरंत हम ये वाला रिजल्ट लिख देंगे डायरेक्ट ये वाला, तो कहीं भी ऐसा यूज करना होगा तो ये डायरेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, चलिए देखते हैं, अब इससे दो नंबर क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है टेन इनवर्स वाले फॉर्म से। ये थोड़ा सा पहले फार्मूला देख लीजिए, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो देखिए लगेगा कि टेन ए प्लस बी चाहे टेन ए माइनस बी वाला ही है, क्या कीजिए सबसे पहला कि टेन इनवर्स माइनस बाहर रख दीजिए, जैसे कॉमन कैसे करते हैं, हालांकि कॉमन नहीं है ये, टेन इनवर्स बाहर रख दिए, ठीक है, और एंगल में देखिए एक्स माइनस वाई, एंगल का खाली ब्रैकेट में काम होगा, एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स वाई दोनों का प्रोडक्ट, जैसे वैसे चल रहा था वहाँ टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी उस तरह चल रहा है, टेन इनवर्स बाहर रखेगा और एक्स एंगल का काम अंदर में कर रहे हैं, एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो एक्स वाई का वैल्यू होगा ग्रेटर देन माइनस वन होना चाहिए, ओके ठीक है ना, माइनस वन नहीं होगा, उससे बड़ा ही लेंगे। प्लस वाले देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स बाहर रखिए, एंगल का काम करिए, एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस दोनों का प्रोडक्ट, और यहाँ पर एक्स वाई इज लेस देन वन होना चाहिए, क्लियर। अब देखिए जैसे हम ये बोलना चाहेंगे यहाँ सिंपल ऐसे एप्लीकेशन टाइप का कि टू टेन इनवर्स एक्स रहता है, तो टू टेन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो इस चीज़ को दो बार लिख सकते हैं, देखिए ऐसे ऐसे, और दो बार लिखने के बाद क्या करेंगे इसको, इसको आप यहाँ चला सकते हैं, टेन इनवर्स बाहर रख दीजिए, एंगल में बताइए कि एक अंदर में एंगल का काम होता है, वन माइनस दोनों का प्रोडक्ट यानी एक्स स्क्वायर
ठीक है, तो क्या लिखेंगे ओवरऑल, टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स 2x हो गया बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हालांकि इसका डायरेक्ट फार्मूला था ये कहिए डायरेक्ट ये फार्मूला होता है, हम डायरेक्ट दूसरे क्लास में हम समझाएंगे पूरा फार्मूला के डेराइव के बारे में, कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं वो चीज़ समझाएंगे। टू टेन इनवर्स का डायरेक्ट ये फार्मूला होता है, लेकिन नहीं याद रहेगा जिसको वो इस पर काम कर सकता है। एक एक क्वेश्चन देखिए, जैसे इस पर क्वेश्चन हम बताते हैं इसी एप्लीकेशन पे मिटाते हैं थोड़ा, देखिएगा। जैसे चलिए देखते हैं इसमें, जैसे देखिए यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आप चला नहीं सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला, कहेंगे टू आ गया तो इसको पहले तोड़िए, इसको नहीं अगर फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो इस चीज को दो बार लिखिए। जैसे देखिए टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स वन बाई टू, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन, वो ये प्रूव करना है। ये दोनों पहले हम साथ में रखते हैं, टेन इनवर्स बाहर निकालते हैं, देखिए अंदर में क्या है वन बाई टू प्लस वन बाई टू, फिर वन माइनस दोनों का प्रोडक्ट, देखिए ध्यान से, प्लस टेन इनवर्स यहाँ पर लिखते जाइए वन बाई सेवन, इसमें क्या होगा टेन इनवर्स ये हाफ हाफ क्या होगा एक हो जाएगा, और यहाँ पर एलसीएम वन बाई फोर यानी एलसीएम लीजिएगा तो फोर माइनस वन यानी थ्री बाई फोर होगा, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन है। देखिए अब इसको ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा टेन इनवर्स फोर बाई थ्री प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन। अब ये दोनों को आपस में चलाइए एक बार, अब ये दोनों को चलाएंगे तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स बाहर रख देते हैं, अंदर में देखिए क्या है फोर बाई थ्री प्लस वन बाई सेवन, ठीक है, और यहाँ वन माइनस दोनों का प्रोडक्ट फोर बाई थ्री इंटू वन बाई सेवन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, टेन इनवर्स लिखते हैं, ये दोनों का एलसीएम लीजिए ना, कितना होगा ट्वेंटी एट यानी थर्टी वन बाई इक्कीस हो गया, और यहाँ पर कितना होगा इक्कीस में से चार गया यानी सत्रह हो गया, देखिए सत्रह बाई इक्कीस कैंसिल हो गया ना, तो इकतीस बाई सत्रह बताइए गया आंसर, ये था टेन इनवर्स थर्टी फर्स्ट बाई सत्रह, ये आंसर था आपका, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब देखिए थोड़ा सा इसमें अब फार्मूला एक चीज़ और एक और फार्मूला लिखे हैं, थ्री एक्स एंगल वाला को, थ्री एक्स एंगल रहेगा तो कैसे उसमें एक्स एंगल में पहुंचेंगे वो, हालांकि ये याद रखिए ज़्यादा सही रहेगा, वन डिग्री इसका माथा में, इसका तीन डिग्री माथा में है, साइन थ्री एक्स का थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, समझ रहे हैं ना, इसका समझिए कि कैसे साइन इनवर्स बनाता है, इसे कर देता है, साइन इनवर्स लिखा रहेगा और अंदर में रहेगा थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ क्या पुट करिएगा जानिएगा तब ना कि फॉर्मूला होता है एक्स बराबर सीधे साइन थीटा में बैठाएंगे, जस्ट लाइक कोस कोस थ्री एक्स में यही कहानी है, हम कोस के लिए इसी टाइप से ट्रिक पर बैठा दिए, जैसे माइनस कॉमन ले लिए दोनों में से ऐसे ही चल रहा है, कोस वाला है तो पूरे कोसे वाला चला, जैसे थ्री कोस एक्स माइनस फोर कोस क्यूब एक्स, ठीक है ना, यानी बुक में तो ये वाला लिखा रहता है डायरेक्ट फोर कोस क्यूब एक्स माइनस थ्री कोस एक्स, लेकिन हम ये ऐसे कर दिए माइनस कॉमन लीजिए ताकि इस पर जैसे है वैसे ही यहाँ पर याद हो जाएगा, इसीलिए आपको बताया, अगर नहीं बुझा रहा जिसको माइनस अंदर ले जाए ये वाला डायरेक्ट हो जाएगा। इस पर भी क्वेश्चन देखिए कैसे रहता है, इस पर क्वेश्चन रहेगा कोस इनवर्स यहाँ रहेगा, अंदर में रहेगा फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, इस टाइप से रहेगा, और यहाँ एक्स जानिएगा तब ना एक्स बराबर यहाँ कोस थीटा लेना है तो आराम से इनवर्स कट जाएगा, उसी तरह से टेन थ्री एक्स में भी होता है, टेन थ्री एक्स का डायगोनली दिमाग लगाइएगा तो याद हो जाएगा, जैसे ये वाला डायगोनल थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स, इसमें डायगोनल वन है, देखिए वन यहाँ पर है कहानी, देखिएगा तो ट्रिक याद हो जाएगा, ठीक है ना, वन डिग्री थ्री डिग्री, फिर देखिए थ्री टेन एक्स माइनस वन टेन क्यूब एक्स बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स, टेन वाला हमेशा देखते हैं कि यहाँ पर हमेशा वन रहता है याद रखिए, ठीक है ना, इसमें कैसा रहेगा ये क्वेश्चंस, टेन वर्स रहेगा यहाँ और जानते हैं यहाँ पर क्या रहेगा थ्री एक्स और यहाँ रहेगा एक्स क्यूब वाई वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये जानिएगा तब ना कि यहाँ पर क्या पुट करेंगे कि वाला कट जाएगा इनवर्स, एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे, ये ज़्यादा जरूरी है इसमें, अब आगे का नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।